हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरेली की ब्लॉगर सोनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाय। आप कहेंगे सोनल क्या पागल हो गई है जो चाय बनाना सिखा रही है। जी नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं आपको बनाना बताऊँगी आज। यदि आपको कुल्हड़ वाली चाय पीने का मन हो तो आप घर में बिना कुल्हड़ के वो कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने चाय का पानी चढ़ा दिया है, उसमें चीनी चाय की पत्ती डाल दी है। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी और चाय की पत्ती ऐड कर सकते हो, जितना जैसा चाय से चाहिए आपको फ्लेवर उस हिसाब से। यहाँ मैं दो इलायची कूट कर डाल दे रही हूँ उसमें। अब आप सोचेंगे कि बिना कुल्हड़ के ये कुल्हड़ वाली चाय कैसे बनेगी, और ये चाय बहुत टेस्टी लगती है। जब कभी भी मन करे आपका, आप आराम से बना सकते हो, कोई तामझाम की आवश्यकता नहीं है आपको। बहुत टेस्टी लगती है पीने में, क्योंकि पहले के टाइम पे तो ज़्यादातर सब कुल्हड़ में ही चाय पीते थे, और मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू में चाय में मज़ा आ जाता है। जो चाय पीने वाले होने तो पता है कि चाय में क्या नशा है। तो ये चाय मेरी अच्छी से खौल गई है, मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से खौलाया था। अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब दूध डालने के बाद भी मैं इसे अच्छे से खौलने दूँगी, करीब 5 मिनट तो मैं इसे खौलाऊँगी। अब हमें क्या करना है, एक दीपक ले लेना है। मिट्टी का जो दीपक आता है वो ज़्यादातर सबके घरों में होगा, तो वो लेके हमें अच्छे से धो लेना है उसे। और यहाँ मेरी चाय खौल रही है, इसे गैस को थोड़ा हल्की कर दूँगी जिससे हल्की आंच पे अच्छे से पक जाए खूब। चाय जितनी पकती है उतनी ही पीने में मज़ा आता है। आप इसमें अदरक डाल सकते हो, तुलसी जी की मेरे पास इस टाइम अदरक नहीं थी तो इसलिए मैंने इसमें अदरक नहीं डाली है। तुलसी जी की पत्ती भी डाल सकते हैं, काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब हमने ले लिया एक दीपक, कोई कैसा भी दीपक ले लीजिए, बस कच्चा होना चाहिए। इसको अच्छे से हमें धो लेना है। धो लेने के बाद में पोंछ के, मैंने तो पोंछा भी नहीं था, वैसे ही रख दिया था इसे। अब आप पोंछ के इसे गैस पे रख देंगे गरम होने के लिए। इसे हमें बहुत तेज़ गरम करना है, इतना गरम करना है कि ये एकदम तपने से लगे। गैस फुल करके हमें उसे रख देना है उस पर तपने के लिए। ये जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर आएगा, उतनी ही चाय हमारी अच्छी बनेगी, टेस्टी लगेगी हमें, कुल्हड़ का ज़्यादा स्वाद आएगा। इसलिए हमें इसे खूब अच्छे से पका लेना है। और यहाँ मेरी चाय अच्छे से खोल चुकी है, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, चाय को छान लेंगे एक बर्तन में। आप किसी में भी छान लीजिए, कप में छान लीजिए, कटोरे में छान लीजिए, किसी में भी छान लीजिए, क्योंकि यह अभी हमें ट्रांसफ़र करनी है। अब हमारा उधर वो कुल्हड़ भी अच्छे से पक चुका है, तो मैं क्या करूँगी, एक कटोरा ले लूँगी और अच्छे से सावधानी से आप उसे कुल्हड़ को वहाँ, दीपक को वहाँ से उठा के, और ये जो चाय थी आपने कप में छानी थी वो चाय आप उसमें डाल दोगे, और इसे 2-4 सेकंड के लिए ढक के रख देंगे। बस हो गई हमारी चाय तैयार। कुल्हड़ वाली चाय का मज़ा लीजिए आप घर में बिना कुल्हड़ के, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चाय कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आप भी पी लीजिए चाय, स्मोकी चाय, कुल्हड़ वाली चाय, जब चाय जहाँ चाहे वहाँ आप पी सकते हो इसे बनाकर। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।